दोस्तों व्हाट्सएप फिर से हैक हो रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, व्हाट्सएप के साथ है टेलीग्राम। क्योंकि ये जो एंड्रॉयड डिवाइसेस है इन सब में ये जो हैकिंग है ये अभी देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हैक हो रहा है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिजाउल और आप देख रहे हैं क्रेजी हैक्स। वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद और बताते हैं आपको कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube app. हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि WhatsApp को हैक किया जा रहा है और ये जो हैकिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ Android डिवाइस में इफेक्ट कर रहा है और इंडिया में तो ज़्यादातर कर रहा है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो Android डिवाइसेस यूज़ करते हैं और इनमें जो लोग WhatsApp यूज़ करते हैं उनमें तो हैक हो ही रहा है। और जो टेलीग्राम ऐप है वो तो बेसिकली इंडिया का ही ऐप है, तो इंडिया का लोग जो है टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनमें भी वो हैकिंग का जो प्रोसेस है वो हैक देखने को आपको मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप एक फ़ोटो को आप किसी दोस्त को भेजते हैं, आप एक फ़ोटो को दोस्त को भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है जब आप भेजते हैं तो आप देखते हैं कि आप वहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद वहाँ पे आपका दोस्त के पास वो रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद उस पर डाउनलोड होता है उसके फ़ोन में, तब जाके आपका दोस्त आपका फ़ोटो देख सकता है। लेकिन इसी बीच ये सेंडिंग और रिसीविंग के बीच एक प्रोसेस होता है, सेंडिंग का जो प्रोसेस और रिसीविंग का प्रोसेस के बीच क्या हो रहा है कि इसमें आपका जो फ़ोटो है उसमें कुछ चेंजेस किया जा रहा है। आप जो फ़ोटो भेज रहे हो दोस्त को वो फ़ोटो उनको नहीं मिल रहा है, वो चेंज होके बीच में चेंज होके एक दूसरा फ़ोटो उनको डिलीवर हो रहा है, यही वो हैक है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे भाई क्या प्रॉब्लम हो गया, हम लोग जो सेंड कर रहे हैं हमारा डेटा फ़ोटो वो किसी और लेके जा रहा है और कुछ और दे दे रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे भाई WhatsApp में तो हो रहा है, अभी Telegram में कैसे हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। ये जो WhatsApp और Telegram है ये बेसिकली सिमिलर टाइप का ऐप है, मतलब दोनों का काम करने का तरीका सेम है। ख्याल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप अगर चेक करेंगे तो फ़ोन में, जैसे कि आप वीडियो या फ़ोटो जो भी सेंड करते हैं वहाँ पर जब रिसीव होता है जैसे WhatsApp में होता है, बिल्कुल सेम टू सेम Telegram में आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि आपका फ़ोन में अगर सेटिंग्स में जाएंगे वहाँ पर एक आपका डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा मीडिया के अंदर, तो वहाँ पे ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए और वॉइस मैसेजेस के लिए। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं जब फ़ोटोज़ है ना उस पर ऑटो डाउनलोड को एनेबल करके रखते हैं, इसलिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा फ़ोटो ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है और यहीं से हमारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ने अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तब तक के लिए आप, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फिक्स, जो मैं सिक्योरिटी फिक्स बताने जा रहा हूँ वो आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको शायद इस ये प्रॉब्लम ना देखने को मिले। जब तक आपको WhatsApp कोई नया सिक्योरिटी अपडेट ना दे दे तो आप मेरा वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाइए, मीडिया के अंदर आपको वहाँ पे ऑटो डाउनलोड का जो ऑप्शन है फ़ोटो का ऑप्शन, फ़ोटो ऑटो डाउनलोड को जो इनेबल किया है उसे डिसेबल कर दीजिए। ये आप टेलीग्राम में भी कीजिए और व्हाट्सएप में भी कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और जब तक व्हाट्सएप कोई नया अपडेट और टेलीग्राम भी जब कोई नया अपडेट लॉन्च कर देगा तो आप अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम को अपडेट कर लीजिए और आपका जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यूज़ के लिए। और अगर आपको भी ऐसे परेशानी हो रही है, देखने को मिल रहा है ऐसे कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी हैक्स।